देखिए पुलकित भाई दो दो कचौड़ी लेके खड़े हैं। एक आपकी है, आप कह रहे हो, आपको कैसा लगा टेस्ट? अच्छा, मजा आया। जैसा बताया था पुलकित भाई ने वैसे ही टेस्ट है यहाँ का, डेट समय वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी मैं आ चुका हूँ राजस्थान के उदयपुर शहर में। यहाँ की जो कचौड़ी पकौड़ी बोलते हैं, ये भैया हमारे लिए कचौड़ी लगा रहे हैं। आज भी यहाँ पे पुराना जो ज़माना जो था वैसे, ये जो बोलते हैं ना पत्ते की प्लेट में सर्व की जाती है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मसाला नाचते हुए। और यहाँ पर मैं अंकल की कचौड़ी बना रहे हैं, यहाँ की हींग की कचौड़ी। कौन सी फेमस है यहाँ की? हींग की कचौड़ी। हमारे जो मुकेश भाई है और इन्होंने मुझे बताया कि हींग की कचौड़ी फेमस है, और कुछ लोग यहाँ पे खा भी रहे हैं। इनसे पूछते हैं, आप फर्स्ट टाइम खा रहे हो इससे पहले खाया आपने कभी? फर्स्ट टाइम। कैसा यहाँ का टेस्ट? अच्छा टेस्ट। आप खा रहे हो, आपको कैसा लगा टेस्ट यहाँ का? अच्छा, मज़ा आया, टेस्ट है बिल्कुल। तो गाइस मैं भी यहाँ पे पहले टेस्ट कर लेता हूँ, फिर मैं भी बताऊँगा आपको कैसा लग रहा है। ये हमारे मित्र वगैरह है तो सारे यहाँ पे, पुलकित भाई और देखिए पुलकित भाई दो दो कचौड़ी लेके खड़े हैं। एक आप हम लोग भी पहले टेस्ट कर लेते हैं। और मुकेश जी यहाँ पे मतलब बिना इंतजार किए चबाटा मलाई की वजह से ना, तो मैं भी पहले ये खा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका टेस्ट कैसा है। और वैसे यहाँ की फेमस है, पुलकित भाई ने बताया था। जैसा बताया था पुलकित भाई ने वैसे ही टेस्ट है यहाँ का, डेट समय वेरी ब्यूटीफुल। मुझे अगर सुबह में पता होता तो मैं सुबह यहाँ पे नाश्ता करने आता, लेकिन मैंने होटल पर पराठा मंगा लिया था पनीर वाला। तो काश मुझे ये पहले पता होता मैं यहाँ के राजस्थान का फेमस नाश्ता करता। वेरी ब्यूटीफुल टेस्ट, स्पाइसी काफ़ी मिला। तो आप लोग राजस्थान आए तो कचौड़ी ज़रूर खाई, यहाँ की कचौड़ी है, मिर्ची बड़ा है। मिर्ची बड़ा जोधपुर में जैसे आपने लास्ट देखा था, तो ये राजस्थान की शान है। थोड़ा स्पाइसी रहेगा बट इसमें दही भी डाला है, दही वाली कचौड़ी है। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे लगा पत्ते वाला जो सिस्टम है ना, पत्ते से बनी हुई जो प्लेट है, ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एकदम देसी लुक आता है इसमें। खाकरे के पन्ने से। किसके पन्ने से? खाकरा, खाकरा, खाकरा का पन्ना। ये है खाकरा का पन्ना, उससे बनाया, मुकेश भी बता रहे हैं। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे कचौरी खा ली। कचौरी का टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बहुत ही ब्यूटीफुल टेस्ट था, काफ़ी स्पाइसी था। जो मैं लास्ट में राजस्थान के जोधपुर में जो मिर्ची बड़ा खाया था बिल्कुल वैसा ही टेस्ट था। तो ये जो भैया बनाते हैं इसमें ऐसा क्या डालते हैं, इनसे ज़रा दो मिनट बात कर लेता हूँ। तो भैया आप कचौरी में ऐसा क्या डालते हैं, इतनी खूबसूरत और इतनी ब्यूटीफुल कचौरी बनती है? अच्छा, ये लोकेशन क्या पड़ेगा, कोई हमारे मित्र आना चाहते हैं? गार्डन रोड। कौन सा? गार्डन रोड। गार्डन रोड। तो ये काफ़ी सारे लोग यहाँ पे, सब लोग, आप लोगों ने खाई यहाँ की कचौरी, कैसा है टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अंकल है कचौरी का, क्या बोलते हैं, मैदे का। फोन किया था मुझे रास्ते में। बिल्कुल। तो अभी क्या बना रहे हो आप? लोहे तोड़ रहे, फिर गोले भरेंगे अंदर। अच्छा, ये गोले भरोगे फिर कचौरी तैयार होगी। तो दोस्तों यहाँ पे कचौरी तैयार हो रही है और काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पे और सब लोग कचौरी का आनंद ले रहे हैं। आप भी कचौरी का आनंद लेना चाहते हो तो कभी आइए राजस्थान उदयपुर में, और जो लोकेशन बताया सर ने वहाँ पे आके टेस्ट करिए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी क्या बताया था मुकेश भाई ने हमें, दूध तलाई की ओर जाते हैं। चलो दूध।